शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सकीय प्रतिष्ठान बीएम शाह अस्पताल ने एक बार फिर चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर उपचार करने का नजारा पेश किया है, जिसके लिए पीड़ित मरीज द्वारा अस्पताल के डॉक्टरों की टीम सहित प्रबंधन का धन्यवाद किया गया है। बीएम शाह अस्पताल ने एक बार फिर अपने बेहतरीन चिकित्सकीय पद्धति को साबित करते हुए दो लोगों की जान बचाने में सफलता हासिल की है। धर्मेंद्र मालवीय और आरिफ, ये दोनों सिलतरा रायपुर में एक टायर फैक्ट्री में काम करते थे, जहां एलपीजी सिलेंडर फटने की वजह से दोनों गंभीर रूप से जल गए। इनमें से एक धर्मेंद्र मालवी की स्थिति काफी नाजुक हो गई थी। कंपनी ने इन्हें तत्काल भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया और शायद वहां का उपचार इस लायक नहीं था कि इनकी जान बचाई जा सके। तभी 2 जनवरी को इन दोनों को बीएम शाह अस्पताल लाया गया, जहां बेहतरीन चिकित्सा उपलब्ध होने की वजह से आज इन दोनों को नया जीवन मिल पाया है। धर्मेंद्र मालवीय, जिनकी हालत काफी गंभीर थी, वे अब 50% ठीक हो चुके हैं। वहीं आरिफ अब 70% रिकवर कर चुके हैं। धर्मेंद्र मालवीय ने अपनी यथास्थिति को बताते हुए बीएम शाह में मिली बेहतरीन चिकित्सा पद्धति के लिए सभी का साधुवाद किया। सिलतरा, अच्छा, क्या काम करते हैं आप लोग? टायर प्लांट में काम करते हैं। टायर प्लांट में? अच्छा, तो कहाँ कौन सी मशीन पे काम कर रहे थे? टायर मशीन में था, बॉयलर है, तो वो आग निकल गया था थोड़ा सा। अच्छा, बैक मार दिया था आग से। अच्छा, बैक मार दिया था। हाँ, मशीन ने तो उससे चल गए थे दोनों। अच्छा, पीछे पीछे मुझे उतना याद नहीं है। अच्छा, मुझे उतना याद नहीं है, चूंकि मैं मेरी बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। पहले तो मुझे हमारी कंपनी ने वहाँ एडमिट करवाया था, क्या बोले, जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में जी। उसके बाद फिर इधर 9-10 दिन बाद इधर शिफ्ट किया यहाँ पर, तो अब ठीक है थोड़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र मालवीय है, भोपाल से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश। सिलतरा में तो सर ऐसे तो मैं 2 महीना किया था, फिर अभी घर से वापस आया था तो 4-5 रोज ही हुए थे और फिर ये हादसा हो गया था। कहाँ के रहने वाले हो? भोपाल, मध्य प्रदेश। ये आप लोग ठेका से लाते हैं क्या आप लोग को? नहीं, ठेका से नहीं था, आए थे तो कंपनी तरफ से। हाँ, ऐसे तो दिया था सब कुछ, इलाज भी कंपनी करवा रही है हमारा। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी हमारी गैलेक्सी नाम है फैक्ट्री का, तो छोटा सा फैक्ट्री है। तो वहीं बीएम शाह अस्पताल प्रबंधन सहित अनुभवी चिकित्सकों ने भी इस चमत्कार को लेकर अपनी बातें मीडिया के समक्ष रखी और बताया कि किस तरह से धर्मेंद्र मालवीय और आरिफ को मौत के मुंह से बचाया जा सका है। प्रबंधन ने ये भी कहा कि उनके पास अनुभवी और सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों सहित पूरी टीम मौजूद है, जिसकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया है। ये बीएम शाह में 2 तारीख को आरिफ और धर्मेंद्र के 2 पेशेंट सेक्टर 9 से छुट्टी करा के यहाँ लेके आए, जो सिलतरा में किसी कंपनी में काम कर रहे थे और गैस की फटने की वजह से उनको बर्न हुआ था। पेशेंट सीरियस कंडीशन में आए थे, वेंटिलेटर में ही थे जब लेके आए थे वहाँ पे, उनको आईसीयू में रखा गया और इमरजेंसी टीम जो क्रिटिकल केयर हमारी आईसीयू की बनी हुई टीम है, उसने अपना ट्रीटमेंट चालू किया। क्योंकि बर्न केस था तो डॉक्टर दीपक कोठारी हमारे यहाँ बर्न के स्पेशलिस्ट हैं, जो प्लास्टिक सर्जन है दुर्ग भिलाई में, उनका अपना नाम है, उनसे कॉन्टेक्ट किया गया किस तरह का केस आया है, इमरजेंसी में हुआ है, पेशेंट को हैंडल कराया टीम के साथ और आगे उनकी सर्जरी हुई। ये इस तरह का केस था, केस काफी क्रिटिकल था और वेंटिलेटर में थे करीबन ये 7-8 दिन, दोनों पेशेंट वेंटिलेटर में थे। अभी वेंटिलेटर से बाहर निकले, फिर आईसीयू में कुछ दिन रहे, स्टेबल अगर हुए तो उनको वार्ड में शिफ्ट किया गया है, आज उनका छुट्टी का प्लान है। देखिए, सबसे बड़ा टीम वर्क होता है, किसी भी फील्ड का ले लो आप, तो इसमें क्या है, टीम वर्क होता है, कोई अकेले ये काम कर ही नहीं सकता। कोई भी हम बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, बड़ा कोई भी काम करते हैं, टीम वर्क रहता है। हमारे यहाँ क्रिटिकल केयर की एक्सपर्ट टीम है,
इंटेंसिविस्ट का टीम है, आईसीयू के जो भी सीनियर नर्सिंग स्टाफ है उनकी टीम हो गई, सर्जन की टीम हो गई, मेडिसिन डिपार्टमेंट, पेशेंट को निमोनिया हो गया था, चेस्ट फिजिशियन हमारे मेडिसिन में डॉक्टर पवन और डॉक्टर समर्थ, चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर तन्मय, क्रिटिकल केयर से डॉक्टर राहुल मिश्रा, डॉक्टर आपके एस के सिंह, डॉक्टर दत्ता और इंटेंसिविस्ट हमारे नीरज रायकवाड़ सर, इनकी देखरेख में ये सब चीजें संभव हो पाया। आईसीयू के जो सीनियर नर्सिंग स्टाफ है उसमें देशमुख अपना दीपक देशमुख, प्रतीक और बाकी जो इंटरनल टीम है इनके साथ ही ये संभव हो पाया। मैं ये पेशेंट से रिलेटेड बोल के ये बोलना चाहूंगा, बर्न यूनिट बनाना एक आसान बात नहीं है। यहाँ पे अभी लोगों को ये है कि बर्न यूनिट नहीं, बर्न यूनिट के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत बड़ी टीम लगती है, बहुत डेडिकेटेड डॉक्टर्स लगते हैं, और हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छा बर्न यूनिट है जिसमें कि हमको जैसे चाहिए वैसे स्टाफ पूरे, मैं जब भी डिमांड करता हूँ तो डेडिकेटेडली ये स्टाफ इतने स्टाफ चाहिए उतने मिल जाते हैं, ऐसा हो जाता है, एंड डॉक्टर्स भी पूरे टाइम रेडी रहते हैं काम करने को, अच्छा काम करते हैं। यहाँ पे आईसीयू तो नंबर वन है यहाँ पे, मैं जितना सारा बाहर में हॉस्पिटल में काम किया हूँ देखा हूँ यहाँ का बीएमसी का आईसीयू सबसे नंबर वन मेरे को अच्छा लगता है। कि पेशेंट जब आए थे तब एकदम क्रिटिकल कंडीशन में थे, इन्फेक्शन का पार्ट बहुत ज्यादा था उनमें, वो वेंटिलेटर पे थे, जैसे जब बर्न होता है तो उसके साथ जो उसके फ्यूम्स भी है फेफड़े में जाते हैं, फेफड़े में भी दिक्कत होता है, ऐसे पेशेंट में हमें इनिशियली उनको वेंटिलेटरी सपोर्ट पे रखना पड़ा था, जिसको केमिकल निमोनाइटिस बोलते हैं वो भी उनको था, बीपी कम था, इन्फेक्शन की मात्रा इतनी ज्यादा होने के चलते बीपी फॉल हो गया था उनका, बीपी कम था, बीपी बढ़ाने की दवाई देनी पड़ी, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए स्किन के हिसाब से जो भी उचित एंटीबायोटिक रहते वो भी अच्छे डोज में उनको देने पड़ गए, उससे जिसके चलते उनका इन्फेक्शन कम हो गया, जिसके बाद सर ने ऑपरेशन करके जितना भी इन्फेक्शन पार्ट बचा था उसको भी निकाल दी, धीरे धीरे हमने वेंटिलेटरी सपोर्ट को कम करके उनको वेंटिलेटर से बाहर निकाला। इसमें टोटल टीम वर्क रहता है, ये टोटल आईसीयू स्टाफ से लेकर 24 आवर ऐसे पेशेंट में क्रिटिकल पेशेंट में मॉनिटरिंग लगती है, हमें आईवी फ्लूइड से लेके सलाइन से लेके उसके डोज से लेके कितना यूरिन आ रहा है ये सब चीजें टाइट्रेट करते हुए उनको फ्लूइड देना पड़ता है, ये सब चीजें टाइमली उनकी इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं, धीरे धीरे हमने उनको वेंटिलेटरी सपोर्ट से निकाल के वेंटिलेटर से आउट किया और उसके बाद उनको प्रॉपर फिजियोथेरेपी वगैरह ये सब दे के उन अभी ऐसे कंडीशन में है कि पेशेंट हमने एंटीबायोटिक भी ओरल एंटीबायोटिक पे शिफ्ट किया है और पेशेंट चलने फिरने लगे, अभी पेशेंट को ओरल एंटीबायोटिक विद प्रॉपर ड्रेसिंग ये सब चीजें दी जाए। हमारे पास 45% बर्न्स 14 दिन पहले आए थे, जो हमको रेफर किए गए थे दूसरे हॉस्पिटल से, पेशेंट दोनों वेंटिलेटर सपोर्ट में थे और जिस हालत में आए थे उसमें तब ना बीपी रिकॉर्डेबल था ना कुछ था, सारे सपोर्ट्स लगे थे उनको, तो हमारा बर्न एक्चुअली टीम वर्क है, बर्न में टीम वर्क में हमको टीम के साथ काम करना पड़ता है, टीम में मेडिसिन वाले रहेंगे, आईसीयू वाले रहेंगे, बर्न यूनिट रहेगा और मैनेजमेंट ने बहुत साथ दिया, जब हम पेशेंट को मेरे को कॉल आया कि पेशेंट को आपको मतलब यहाँ आना चाहते हैं तो हम लोग बिल्कुल ले आइए, हमने बात किया, पूरा एक बर्न यूनिट हमारा तैयार है, उसमें डेडिकेटेडली मैनेजमेंट ने दो स्टाफ सिर्फ बर्न को देखने के लिए हमको दिया और उसके बाद फिर एक डॉक्टर आईसीयू का राउंड द क्लॉक सिर्फ बर्न को देखने के लिए दिया, फिर हमारे साथ डॉक्टर पवन, डॉक्टर तन्मय, डॉक्टर दत्ता और बाकी आईसीयू के सारे डॉक्टर्स ने हम लोग दिन रात लगे रहे थे। सबसे पहला काम था उनको जो सेप्टिसीमिया है जो इन्फेक्शन है उससे थोड़ा कम करना, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह स्टार्ट करके दो दिन ये सब सपोर्ट्स को हमने कंट्रोल करके फिर मैंने ऑपरेशन के लिए लिया था। ऑपरेशन में दोनों बर्न्स के जो बर्न स्किन है वो पूरा निकाला गया था और पूरा अच्छे से पूरा वुंड का सफाई वगैरह करके फिर वापस ड्रेसिंग करके हम वापस उनको वेंटिलेटर पे लाए थे। दो दिन बाद फिर एक पेशेंट वेंटिलेटर से वीन ऑफ किए, फिर सेकंड पेशेंट वेंटिलेटर से वीन ऑफ किए, इन्फेक्शन वगैरह का स्टेटस आपको डॉक्टर पवन समझाएंगे, फिर धीरे से हमने फिर 7 दिन पहले पेशेंट को वार्ड्स में शिफ्ट किया रूम में एंड फिर वहां से अब पेशेंट पूरे तरह से ठीक होके वेंटिलेटर से आउट आके पूरी तरह ठीक होके चल फिर रहे, थोड़ा सा जख्म बचा है और डिस्चार्ज होने की स्थिति में आ गए हैं। बहुत मुश्किल था, स्टेबल के बारे में ज्यादा अच्छे से आपको डॉक्टर पवन बता पाएंगे क्योंकि बहुत मुश्किल था ये मैं बोलूंगा, वो बिल्कुल इस स्थिति में आए थे कि वो बचेंगे नहीं हमको ऐसा लग रहा था लेकिन हम लोग लगे रहे थे। धर्मेंद्र मालवी और आरिफ को बेहतर उपचार समय पर मिल पाया और इनकी जान बचाने में डॉक्टर दीपक कोठारी जो कि प्लास्टिक सर्जन हैं, उनके साथ डॉक्टर पवन नामेवार, डॉक्टर निमाई दत्ता,
सहित अन्य कई डॉक्टरों एवं मेडिकल स्टाफ की टीम ने अपना अहम योगदान इस चिकित्सा में दिया है और इसके पूर्व भी बीएम शाह अस्पताल के सर्वगुण संपन्न मेडिकल स्टाफ ने कई बार जादुई तरीके से ऐसे कारनामों को कर दिखाया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।